नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको या आपके किसी घर के मेंबर को पैरों में सूजन आ जाती है और यह सूजन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमें समझ नहीं आता कि यह पैरों की सूजन क्यों बनी हुई है या ये क्यों बढ़ रही है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि पैरों में सूजन क्यों आ जाती है, इसका कारण क्या है और हम इसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसमें और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में तरल पदार्थ या लिक्विड जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और असामान्य रूप से वह हिस्सा फूलने लगता है या बढ़ने लगता है तो उसे हम स्वेलिंग कहते हैं या सूजन कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम ईडिमा कहते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पर होता है कि यदि कहीं चोट लगी है या पैर में चोट लग गई है उसके कारण सूजन आ सकती है, या फिर कई लोग अपने खाने में नमक का परसेंटेज ज़्यादा रखते हैं इसलिए भी शरीर में और स्पेशली पैर में सूजन आने लगती है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी पैरों में सूजन देखी गई है। नंबर चार, इसमें यह देखा गया है कि पेशेंट्स को यदि लिम्फ नोड्स का ब्लॉकेज हो गया है, स्पेशली पैर के लिम्फ नोड का, तो भी पैरों में सूजन आ जाती है। और एक चीज़ और देखी गई है कि डीवीटी के केस में, मींस डी वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी यदि पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाती है तो भी पैरों में सूजन आ जाती है। इसमें एक चीज़ और नोटिस की गई है कि ओल्ड एज में, जब थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, 45 या 50 प्लस लोगों में लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े रहने के कारण भी पैरों में सूजन आ जाती है, जैसे कि बस में या प्लेन में बैठने पे पैरों में सूजन आ जाती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत होती है उनके भी पैरों में सूजन मिलती है। और एक चीज़ और है कि जो पेशेंट कोई मेडिकल, मतलब कोई एलोपैथिक मेडिसिंस बहुत टाइम तक ले रहे हैं, शुगर की दवाई ले रहे हैं या कोई हार्मोनल दवाई ले रहे हैं, उससे भी उनके पैरों में सूजन आ सकती है और किसी हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण भी पैरों में सूजन देखी गई। दोस्तों, इन सब कारणों के अलावा कुछ और कारण भी देखे गए हैं, जैसे कि रीनल फेलियर के केस में यूरिनरी से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स भी आते हैं और उनके साथ भी पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है। नंबर टू, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन में भी पैरों में सूजन आती है और साथ में पेशेंट को ब्रीथलेसनेस, मींस उसको सांस भरने की शिकायत होती है। और नंबर तीन, हेपेटिक फेलियर, मींस लिवर का फेलियर की कंडीशन में भी पैरों में सूजन देखी गई है। इन तीन कंडीशंस में, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर में यदि पैरों में सूजन होती है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर वन ये होता है कि पेशेंट को पैरों में सूजन दिखती है और पेशेंट के पैरों का कलर भी चेंज हो जाता है, कभी लाल और हल्का पीला भी दिख सकता है। और नंबर तीन, पेशेंट को पैरों में सूजन के साथ साथ दर्द भी शुरू हो जाता है और उसको सूजन वाले हिस्से की जगह थोड़ी खिंची हुई और शाइन करती हुई दिखती है। यहाँ पर दो तरह की सूजन देखी जाती है, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में यह होता है कि जब आप जो सूजन वाली जगह को दबा कर देखते हैं तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, इसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। और यदि सूजन वाली जगह को दबा कर देखने पे वहाँ गड्ढा नहीं होता है तो उसे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। यहाँ पर अब हम इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर यह है कि पेशेंट को सूजन वाली जगह पर जेंटल मसाज देना चाहिए, उससे उस जगह का एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है और पेशेंट की सूजन कम हो जाती है। नंबर टू, पेशेंट को अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेटेड, मतलब ऊंचा करके रखना चाहिए कि उसके पैर का लेवल हार्ट के लेवल से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर तीन, पेशेंट को अपने नमक, जो वो नमक खाता है या जो सॉल्ट खाता है, उसका परसेंटेज कम कर देना चाहिए। पेशेंट यहाँ पर कंट्रास्ट थेरेपी भी ले सकता है, कंट्रास्ट हाइड्रोथेरेपी। इसमें पेशेंट को थोड़ी देर अपने पैरों को गर्म पानी में, मींस गुनगुने पानी में रखना होता है और थोड़ी देर ठंडे पानी में रखना होता है। जो गुनगुना पानी होता है वो पैरों का ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और जो ठंडा पानी होता है वो पेशेंट के पैरों की सूजन को कम करता है। इसमें एक बात और है कि पेशेंट को बहुत टाइम तक
लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग मतलब खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए और सिटिंग पोजीशन पे पैर को लटकाकर नहीं रखना चाहिए। यदि पेशेंट गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर सिकाई करता है तो भी उसे आराम आता है, और जिसके पैरों में सूजन होती है उसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, पंजों को ऐसे हिलाना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और पेशेंट की सूजन कम हो जाएगी। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मार्केट में कंप्रेशन सॉक्स मिलते हैं, जब पेशेंट को लगता है कि उसको बहुत लॉन्ग सिटिंग करनी है तो वो उस तरह के सॉक्स का भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब किसी चोट के कारण पेशेंट को पैरों में सूजन आ गई हो और वो सूजन ठीक नहीं हो रही हो, या कोई पुरानी चोट है उसके कारण भी यदि पैरों में सूजन बनी हुई रहती है तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और पेशेंट को पैरों में सूजन के साथ साथ दर्द भी मिलेगा और कभी कभी वहाँ पर नील या ब्लू डिस्कलरेशन भी उसके पैरों में दिखाई देता है। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसे गाउट की समस्या हो जाती है, उसके कारण उसके एंकल जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को वहाँ पेन होता है, वो ढंग से चल भी नहीं पाता और उसकी कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के पैरों में रूमेटिज्म के कारण सूजन आ जाती है और उसके जो पैर का कलर होता है थोड़ा रेडिश हो जाता है, शाइन करने लगता है, और पेशेंट को वहाँ पर सूजन के साथ साथ वहाँ पर स्टिंगिंग चुभता हुआ सा दर्द भी बना रहता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को अपने पैर बहुत भारी भारी लगते हैं और वो चाहता नहीं कि कोई उसके पैर को टच करे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है एपोसाइनम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसे पैरों की सूजन के साथ साथ पूरी बॉडी में भी स्वेलिंग महसूस होती है, और इसके पीछे रीज़न या तो कोई लिवर का कारण हो सकता है या कोई किडनी में उसको तकलीफ है, रीनल का फेलियर है, उसको यूरिनरी कंप्लेंट आ रही है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। पर इस कंडीशन में पेशेंट को जब ड्रॉप्सी हो रही है मतलब पूरे शरीर में उसको स्वेलिंग हो रही है तब इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करने में इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।